दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज़ रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करवाने वाली प्याज, एक नरा देखिए आप एक बार, और इस प्याज का नरा देखिए, इसकी फलर देखिए। अब किसान भाई तो यहाँ है नहीं, पता नहीं कौन सा बीज है, कौन सी क्वालिटी है, क्या डाल रहा है। बाकी ज़मीन बड़ी चिकनी है, बारिश भी हल्की हुई है रात को। तो दूसरा खेत है, उसमें एक किसान भाई है, उसके पास चलेंगे क्योंकि लोकेशन में काफ़ी प्याज के खेत है और प्याज करीब 2 महीने की हो गई है, तैयार होने वाली है। और इधर देखिए किस तरह का नरा है इनका, पूरा खेत में ही 2 से 2.5 फुट की हाइट है इसकी फालरों की। और किसान भाई ने मेहनत भी की, इसमें खलपतवार नहीं है बिल्कुल भी। तो एक अगला खेत और है, उसमें चलते हैं। इधर देखिए इस खेत में, इसमें ज़रूर जलेबी रोग की शिकायत है। पूरे खेत में तो नहीं है, लेकिन इस साइड में 2 पाले हैं, इसमें पूरे में जलेबी रोग की शिकायत है। और बिल्कुल ठीक इसी के बगल का खेत है, इसमें बिल्कुल भी किसी भी रोग की तरह किसी भी रोग की शिकायत नहीं है। कौन सा गाँव है, आगे एक युवा किसान उन्हीं से पूछते हैं। और किसान भाई की भी प्याज बड़ी शानदार है, कौन सा बीज है, कब तक तैयार हो रही है, देखिए इनका भी नरा बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि अब की बार बूढ़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कि प्याज का ही संवत है और गजब प्याज की फसल है अब की बार अलोर में, भाव भी अच्छा मिल रहा है। तो चलते हैं किसान भाई से पूछते हैं। भैया जी कौन सा गांव है ये? बलदेवास गांव है। बलदेवास करौली? हाँ करौली के साथ मिलता है। तो रात को तो बारिश हुई है, आप पानी दे रहे हो? रात को बारिश हुई है पर फिर भी इतनी नहीं हुई, भाई खाद डालने के बाद भी मिल जाए उसमें थोड़ी बहुत। वगैरह डाला है? हाँ। तो कितने दिन हो गए आपके प्याजों को? ये 2 महीने के हो गए प्याज। अभी और कितना दिन लगेगा इसमें तैयार होने में? अब ये तैयार, ये लास्ट पानी है इसमें, आखिरी पानी दे रहे हो? हाँ। उसके बाद में इसको खुदाई कर दोगे? नहीं, अब उपाड़ के तो फिर काट के ले जाएंगे इनको। क्या नाम है आपका? रणजीत। रणजीत? हाँ। कौन सी पढ़ते हो रणजीत? मैं फाइनल ईयर में हूँ, डिप्लोमा। सुंदर बहुत हो आप। तो कब तक तैयार हो रही है? 10-15 दिन में हो जाएगी तैयार? हाँ इतना ही लगेगा अब तो। रणजीत भाव का पता क्या चल रहा है अलवर में इस समय? तो 1700 समथिंग चल रहा है, 1700-2000। हाँ अच्छे चल रहे हैं। तो कितनी प्याज हो जाएगी इस खेत में? इसमें लगभग 70 कट्टे के समथिंग तो लगा रखा अनुमान, से ऊपर हो जाएगी। हाँ। तो 1.5 लाख का माल है अपने पास? 1.5 लाख से ज्यादा का ही है माल। ज्यादा का है? हाँ। तो जो पिछले वर्ष नुकसान हुआ उसकी पूर्ति हो जाएगी अब की बार? उसकी पूर्ति हो जानी चाहिए अब की बार तो। अच्छा अच्छा अच्छा। पिछली बार तो ज्यादा नुकसान हो गया था कुछ। तो टोटल कितनी प्याज है अपने पास? अपने पास ये 1 बीघा थोड़ी सी ज्यादा है। कब से लगा रहे प्याज? रेगुलर लगा रहे, हर साल। हर साल लगा रहे? हर साल। पिछले 2 साल से नुकसान हो रहा था, इस बार पूर्ति हो जाएगी? अब की बार पूर्ति हो जाएगी। जो पिछली बार हो गई आपकी? अभी नहीं हुई शादी। नहीं। तो वीडियो के माध्यम से हम कहेंगे लोगों से, काफी सुंदर लड़का है, इसकी शादी करें जल्दी से। तो धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं अगले गांव में और दिखाते हैं आपको अलवर की कैसी है अब की बार प्याज की फसल। और किसान भाई पानी लगा रहा, खेत में घुस नहीं सकते, बाकी फसल तो आपको दिख रही है काफी अच्छी है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।